तो भाई राम राम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल समय कटारे फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अपना कार्डियो और एब्स अच्छे से करिए, कार्डियो प्रॉपर एंड एब्स भी प्रॉपर। तो अपनी फर्स्ट मील ले लेते हैं फटाफट से। ले ये तार दो यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। हाँ तो फटाफट से भाई अपनी मील ले लेते हैं। तो मील इज रेडी, 100 ग्राम ओट्स जिसमें 150 प्रोटीन, साथ में 6 अंडे, साथ में डेट्स। तो ये है हमारी फर्स्ट मील। तो आप देखते रहिए आगे सारी चीज़ें, आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। आज वर्कआउट भी करना है, आज वर्कआउट शोल्डर का है तो दिखाएंगे आज शाम को। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए हैं भाई, बढ़िया लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं देखो। मैंने आज लुक भाई थोड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो मेरे बाल आगे आगे आ रहे थे ना उनको मैंने बड़ा करना चालू कर दिया है। ये देखो थोड़ा भरमा भरमा सा लुक हो गया है। तो कहिए हुए तो बाल ना आते हैं, मेरे बाल अब आने लगे हैं और ज़्यादा। तो चलो जी अपनी मील ले लेते हैं। अपने मील रेडी करके लाया हूँ भाई। 200 ग्राम राइस है, 170 ग्राम चिकन और साथ में वेजीज में जिसमें बीन्स ऐड करता हूँ, बीन्स और प्याज। तो भाई सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मेरे को बीन्स के साथ अपना चिकन खाना। तो भाई कईयों को तरी वाला चिकन पसंद होगा, पर तरी वाले से बढ़िया ये अपना ऐसे सोटे कर लो, मतलब थोड़ा स्मोक चिकन से बना लो, मस्त लगेगा आपको और खाने में मज़ा। इसमें नींबू डालो, प्याज डालो और अब बढ़िया जो बीन्स डालो ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलो जी अपनी सेकंड मील इज़ रेडी। तो भाई इसके साथ मैं क्या क्या सप्लीमेंट लेता हूँ, एक तो है अश्वगंधा और एक लेता हूँ मैं कैल्शियम साइट्रेट, जो कैल्शियम को पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारी सेकंड मील पूरी, फाइनली भाई प्री वर्कआउट मील इज रेडी। तो प्री वर्कआउट मील में देख लो डेली डेली वही चीज़ें दिखाई जा रहा हूँ, पर आप भी नए सब्सक्राइबर हो जो भी भाई वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और भाई यही चीज़ें मैं डेली रूटीन में दिखाता हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या कैसे रह रहा हूँ, कितनी देर की नींद लेता हूँ, कैसे क्या बताता हूँ, सारी चीज़ बता देता हूँ। तो ये रही हमारी वर्कआउट प्री वर्कआउट मील। तो ये मैं 2 घंटे पहले खा रहा हूँ, 2 घंटे बाद अब अपना वर्कआउट करूँगा। अराउंड 5 बजे तो 7 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई गौ माता को खाना खिलाने आए, गौ माता को खाना खिला दे, देखना कैसे देख रही है, बहुत प्यार आता है इनपे। तो चलो भाई गौ माता को खाना खिला के फिर चलते हैं अपना जिम पे सीधा। भाई ये है सोमवीर इलेक्ट्रीशियन, ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, सबसे बिजी ऑफ है, इसका नंबर तो मिल जाएगा पर ये इंसान जल्दी से नहीं मिलता है। क्यों? ये बहुत बिजी रहता है, ये इसको सबसे ज्यादा काम करता है। गुड़गांव में भाई, गुड़गांव में करना, कभी कोई बंदा इधर उधर का फोन करता रह जा। हाँ बुकिंग लेनी पड़ेगी। कितनी ये छोटी लगा दे भाई, मैंने लिखे लाइट पूरी है ना, लाइट पंद्रह वोल्ट है। ये कितनी? ये 18। ये पागल बना रहा है, अब पहले तो देखते हैं। ये पिटेगा ना तो आज। इसको फोन किया था 5:30 बजे, कहता बस आया भाभी। सुन मतलब समझ नहीं ना, साथ घना तेज है ये। इधर तो मेरे को ही धमकाना लग रहा है। ठीक है तू जरा कैसे कर रहा था। मैं वही तो कह रही हूँ, इसके पास ये बहुत बिजी रहता है, इसके पास फोन पे फोन आता है, इसको नहीं पता किसका। हाँ आज पता क्या हुआ, आज ना ये मेरा फोन उठा रहा ना इनका बिजी, मैंने कहा लगता है ब्लॉक मार दिया। हम ये ब्लॉक भी मार दिया, इसको भरोसा ना है, थोड़ा बच कर रहना भाई। वो शुक्र थोड़ी देर बाद इसका रिंग जा रही थी, वरना मैं यही समझ लेती ब्लॉक ही मार दिया। आज सोमवीर ने ये समझ के भाभी कॉल कर रही है, 2 बार कर चुकी है। तो भाई फाइनली ये ट्यूबलाइट चेंज होने जा रही है और ये खराब हो चुकी है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा। चलो चेंज तो हुई, ले लिया। तो भाई जिम आ गए, अपना वर्कआउट कर लिया शोल्डर का, जैसे मैंने आपको बताया था प्री वर्कआउट मिल ली है, 2 घंटे हो गए हैं अच्छे से ली थी और अब अच्छे से अपना वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सारे वर्कआउट पहले लिख लेते हैं और मैं वेट भी पहले ही लिख लेता हूँ, जिससे मेरे को आइडिया रहता है मैंने पिछली बार कितना वेट मारा था, तो उसमें कोई वो ना हो, कमी ना हो। जैसे भाई पिछली बार 33 मारा और इस बार 30 मार के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं। तो मैं पहले ही वेट लिख देता हूँ, उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो चलो जी अब आपको दिखाते हैं शोल्डर में मैं कितना कितना वेट उठाऊंगा, कैसे कैसे उठाना है, तो वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ।
पिछली बार रेपिटेशन 10-10 थे, इस बार सोच रहा हूँ 12-12 हो जाए तो बढ़िया बात है। स्टार्ट करते हैं। जय स्टार्ट। तो भाई अपनी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स लॉन्ग, इसके भी 3 सेट लगाने हैं, सब में 15-15 रैप आएंगे। वेट बढ़ाते चलो और रैप अपने 15 ही रहेंगे, पर कंट्रोलिंग रैप होने चाहिए, पीछे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो भाई अपनी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी फ्रंट रेज विद केबल रोप से करेंगे हम, तो इसके भी सर इसको 2 ही सेट करेंगे और सब में 15-15 रहे। चल बहुत बढ़िया। 6 आज भाई साथ में जीतू की लेग्स कराई जाएगी, कल इसने बहुत खा लिया, मेरे घर बहुत खा लिया खाया तो आपने भी तरात में बहुत। चल 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 10-5 और लगाने 11-12 ऊपर ले 12-13 इसकी आंखों से आंसू आने चाहिए। एक और 15 आंसू तो आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी तो स्पोर्ट्स रह रही है, लेग प्रेस रह रही है। तो भाई ये थी पहले एक्सरसाइज लेग्स की, तो जो ये वहां तक पहुंच जाएगा चल के। अब देखो भाई, चाहे मसल ऐसे वाली हो चाहे मेरे जैसी हो, पर रेपिटेशन तो आपको उतने ही मारने जितने मैं बताता हूँ। कहाँ से आया टोरंटो, कहाँ से आया टोरंटो से आया ये मोनू, आया मोनू को दिखाइए। मोनू दो फोन लेके घूम रहा है। मोनू दो फोन किस लिए, एक सेटिंग देता है एक दूसरी सेटिंग। बस ऐसी बातें मत करो बच्चों के लिए, ये कह रहे हैं वैसे मेरे घर चल रहे जी, तो आज फंसा पड़ा है लेग्स वाले दिन। चलो जी कभी कभी आते हैं भाई, लेग्स के दिन ज्यादा फोकस होकर कराते हो, मैं तो इसलिए कराता हूँ क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इस और सब चीज पे देते हैं, सब कंप्लीट लगाते हैं। और भाई मैं ज्यादातर फोकस कराना चाहता हूँ लेग्स की ट्रेनिंग से, जिससे कि अब ये कि लोग खड़े हो पाए अपने पैरों पे। गुड, चल नीचे पूरा 3, 3, 4 वेरी गुड, चल बहुत बढ़िया 5, चल बहुत बढ़िया 6, बहुत अच्छे 7,
पूरा डीप। इतना वेट मैंने मार लिया, मैं तो बैठ ही जाऊंगी एक रैप। चल भाई अब इसी लेग प्रेस रह रही, लेग प्रेस और दिखाते इसी पार्ट कर भाई जी। तुम लास्ट सेट है, बढ़िया मार रहे ठीक है। 15 ही हां अलग से हो गया है। हाँ कल जब 3-4 घंटे बाहर घूम के तब भी सही थी ना। इसका मतलब कि खराब है। ठीक है, देखी थी कल वीडियो, बड़े हंस रहे थे ना। व्लॉग हाँ व्लॉग बाकी चल रहे। एक नाव एक एक दो कमान तीन चार 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 पांच दिन चल लिया 6 7 8 जान लड़ा 9 10 5 बज रहे चल 5 4 3 2 1 जीरो। और जीतू हीरो खड़ा होने दिखा दे। जीतू कह रहा हूँ कहाँ से कहाँ फंस गया आज मैं। जीतू आज खड़ा होने दिखा अपने पैरों पे, आज खड़ा हो सकते खड़े होते क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ कह सकती हूँ? अभी धमका रही थी मेरे को, खाना खा लो। और आज के लिए देख लो भाई यार, मैं इसको हमेशा इस चीज खाने के लिए लिट्टी लॉट चाहिए, मैं इसलिए टोकता हूँ मेरे भी भाई। जो भी ये चीज खाता हूँ ये ना खाए, ये बहुत बेकार रहती है। इसमें ना बाहर चीजें पढ़ने में अच्छी लगती है, क्लासिक है ये, हेल्दी है, हेल्दी भी लिख जाते हैं इसमें। देखो ये लिखा, और मैं मानती हूँ ये टोटली हेल्दी तो नहीं है, ठीक है टोटली का हेल्दी है ना, एक ले लेंगे अगर पढ़ो कुछ नहीं फिर बात सुन। इसे पाम ऑयल रहता है भाई, जब आप लोग इस चीज को डेली या हफ्ते या हर दिन खाते तो आपके लिए बहुत बेकार है। डेली अगर आप साल में एक बार खा रहे हो, 6 महीने में एक बार, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। इतना तो हम कुछ भी खा लेते फालतू की। कल भी खा और आज भी खा ले। क्या खा के आई मैं कल? कल बाहर का ना खाया था ना, तुम गए? हाँ मुझे अभिषेक ने बताया कि आप फ्रिक्शन गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, तो गलती से मैंने फ्रिक्शन में खा के आया था। तो बोला क्या कहते भाई ने आपको नहीं बताया? मैंने कहा नहीं, तुम अभी नहीं गए थे, से बाहर से लेके आए। मैंने कहा अब मैं तुम्हारे भैया को बाहर अंदर से देखती हूँ। भाई हम तो खाना ना वो कहता रहा था, कह रहा भाई हम वहाँ वहाँ गए थे, उस जब हम उससे बता रहे थे, वो सोनू भी तो वही था, उसका दोस्त है ना वहाँ पे फ्रिक्शन में, तो वो कह रहा भाई खा लो। हाँ जो आज आ रखा था, तो वो कह रहा भाई खा लो कोई नहीं, फिर उसने वो करवा दिया, हमने खा लिया। तभी तो हम लेट हो गए थे। कोई नहीं, कल पूछना उससे ये बात, कोई नहीं। कहता आपको भाई ने कुछ नहीं बताया? मैंने कहा नहीं बताया, अब मैं बताऊंगा। शेट फसवा दिए यार अभिषेक, कहाँ कहाँ जाते हैं ये नहीं बताना होता यार। कहता मैंने कहा भाई रूम बहुत अच्छा लग रहा था, भाई ने दिखा दिया, भाई ने मना किया था नहीं दिखाऊंगा और दिखा दिया ना। मैंने कहा व्लॉग मैंने एडिट किया था इसलिए देख लिया। मैंने कहा डब्बे फेंक दो। कहता नहीं भाभी वो रिकॉर्ड के रख रखे मैंने। कहा फेंक दो क्या करोगे दिखा के? रिकॉर्ड करेंगे क्या उनका क्या रिकॉर्ड? तो चलो भाई अपने वर्कआउट होता हो गया था, उसके बाद प्रोटीन पिया, प्रोटीन पीने के बाद आप ले रहे भाई चिकन वेजीज एंड पपीता। और मैडम की भाई सब्जी देख कर स्वाद सा आ रहा है, देखो वेज मिक्स वेज मस्त लग रही है, मैंने खा भी ली वैसे आते एक दो चम्मच, मजा आ गया। जान पूछे हैं नू मना कर करेगा खा ले चुपचाप आई चाल के मैं। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड सीताराम दोस्तों।